अंदर ही हो ना, अंदर हो, अंदर हो, ठीक है ठीक है ठीक है। गुजराती एंटरटेनमेंट ना सुपर स्टार सिद्धार्थ रंधेरिया भाई नु स्वागत करी स्टेज पर। छेल्ला 45 इयर्स थी एंटरटेन करे छे हमने, 12,000 लाइव परफॉर्मेंसेस नो रिकॉर्ड छे अने 70 थी वधु थिएटर प्रोडक्शन ने कितली वधी पिक्चरो करी छे। स्वागत छे सिद्धार्थ सर। पछी स्वागत करीस ईशान भाई नो, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर घणी બધી મૂવીઝ ના ગુજ્જુ ભાઈ છેલ્લી એમની બુશર્ટ ટી શર્ટ। ઈશાન ભાઈ થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ। અને આજે આપણે પિક્ચર માટે આવ્યા છે હું ને તું ના ડિરેક્ટર મનન સાગર નું સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ। એડિટર રહી ચૂક્યા છે દોસ્તાના હમતી શર્મા કી દુલનિયા બદ્રીનાથ કી દુલનિયા એબીસીડી અને ઘણી બધી પિક્ચરો ના સ્વાગત છે તમારું। અને આપણા જોડે આપણા વચ્ચે અહીંયા સુપરસ્ટાર એક્ટર અજય ભાઈ આવ્યા છે। અજય દેવગર ભાઈ પ્લીઝ તમે સ્ટેજ પર આવો। અજય ભાઈ નું સ્વાગત। થેન્ક યુ અજય સર ફોર જોઈનિંગ। સબસે પહેલે તો સ્વાગત હે આપકા, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप भी आए हैं? थोड़ा हिंदी में ही बोल ताकि थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर टू लॉन्च दिस ट्रेलर। गुजराती साथ और गुजराती फिल्मों के साथ मेरा एक रिलेशन है क्योंकि वहाँ हमारे एम भाई की काफ़ी सिनेमाज हैं, 13 स्क्रीन्स इन 4 सिटीज। Also, वहाँ पे हमारा एक सोलर प्लांट भी है, सो पुराना रिश्ता रहा है और गुजरात में हमारी फिल्में भी बहुत अच्छी चली हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी एंड लवली। थैंक यू सर। कुमार जी एंड सिद्धार्थ जी आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने किसको कॉल और मैसेज किया सबसे पहले कि चलो पिक्चर बनाते हैं? ऐसी बात नहीं थी, वी जस्ट हैपन टू मीट और कुमार जी को पता नहीं शायद हमारी पहली मुलाकात थी, तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट ही सेड ये कोई प्रोड्यूसर मुरली आके गया है सिद्धार्थ रंधेरिया, तो मुरली से नहीं सर वो प्रोड्यूसर नहीं वो एक्टर है एंड ही आल्सो प्रोड्यूसेस। बट एनीवे अ वन वंडरफुल थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल ऑफ यू इज दैट यू नो जनरली यू आर ऑल कनेक्टेड विद फिल्म, सो लाइक मूवी डिसाइड करने में महीने लग जाता है, सालों, कहीं कहीं का तो एक्सपीरियंस है कि सालों के सालों तक इट डजंट रोल और इट डजंट टेक ऑफ। हम लोगों की मीटिंग हुए ओनली फॉर 7 मिनट्स, दैट्स ऑल। 7 मिनट में कुमार जी ने कह दिया सर करते हम ये फिल्म एंड एवरीथिंग, लाइक ही सेड ओके जस्ट गो अहेड एंड दैट्स हाउ वी वेंट अहेड एंड थैंक यू सो मच फॉर द फेथ व्हिच ही पुट ऑन अस एंड वी हैव जस्ट ट्राइड टू डिलीवर एंड थैंक यू अजय जी फॉर बीइंग हियर। It gives us a real boost for regional cinema as well. Kumar ji, 7 minute mein aise kya discussion hua before we show the trailer? Siddharth bhai ne mujhe 3 minute mein kahani sunayi ki ye kahani ka idea hai. Agle 2 minute mein humne gossip ki, agle 2 minute mein deal ki. क्या नहीं चलेगा अच्छा ये चलने जैसा ये करते हैं। नहीं नहीं मेरे को तो वो 2 मिनट की गॉसिप जानने में इंटरेस्ट है, जब आप लोग ट्रेलर देखेंगे तब मैं कुमार जी के बगल में बैठने वाला हूँ। लेकिन सर विथ योर परमिशन आप बस एक बार बोल दीजिए लाइट्स ऑफ तो ट्रेलर दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच अजय जी। चलिए फिर ट्रेलर देखते हैं, लाइट्स ऑफ। डायरेक्टर मनन सागर अने जे टीम छे आखी स्टारकास्ट, सौथी पहला सोनाली देसाई जी ने आमंत्रित करवा मांगु छु, જેને તમે હું ઇકબાલ વિકીદાનો વરઘોડો હું તારી હીરમાં તમે જોયો છે, પરીક્ષિત ભાઈને ઇન્વાઇટ કરું છું સ્ટેજ પર। સાતમ આઠમ દુનિયાદારી એવી બધી પિક્ચરોમાં તમે જોયો છે, પછી પૂજાને ઇન્વાઇટ કરું છું સ્ટેજ પર, વાત વાતમાં હું તારી હીર, અને જે કો પ્રોડ્યુસર્સ છે મુરલીધર છતવાની અને અન્વિત રંધેરિયા સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરું છું।
એક ફોટો લઈ લેવાય પછી આપણે વાતચીત કરીએ પહેલા. આખી ટીમ નો જોરદાર સ્વાગત અહીંયા અભિનંદન કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ બધા તમે આવ્યા. લોકો શું કે છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ આઈ એમ વેરી હોપફુલ સિન્સ ધીસ ઇઝ ધ ફોરે ઇન ગુજરાતી ફોર પેનોરામા. તો કુમારજીએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને બહુ જ મહેનતથી આ ફિલ્મ બનાવી છે અમે લોકોએ. ધ રાઇટર વિનોદ સરવૈયા ઇઝ ઓલ્સો હિયર. વિનોદ પ્લીઝ ટેક અ બાઉ. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ ગીવ ક્રેડિટ ફર્સ્ટ ટુ ધ રાઇટર બીકોઝ દેટ ઇઝ ધ ઇન્સેપ્શન પોઈન્ટ ઓફ એની ફિલ્મ, એન્ડ ધેન ધી ડાયરેક્ટર, એન્ડ ઓફકોર્સ આફ્ટર દેટ ધી એક્ટર્સ. સો વી હેવ ઓલ પુટ ઇન અ વોટ એવર બેસ્ટ એફર્ટ્સ વી કેન પુટ ઇન ટુ ધીસ. And I hope the people appreciate that. Kumar ji, aapki aur Ajay ji ki dosti ke bare mein bataiye. Aapke kehne par aa gaye aapke dost trailer launch karne before Ajay sir has to go somewhere. Hamara relation 40 saal se hai, lekin trailer ko invite karne ke liye maine inko nahi bulaya, Murli ne bulaya hai. Aur ye purane ke liye special London aaya hai. Unhone mujhe bola ki Ajay bulana, main nahi bolunga, aap aake bolo. To ye fly from Bombay se London jaake inhone request ki hai, unhone ek minute mein haan kar di. चलिए पहले डायरेक्टर सर से बात करते हैं. मनन भाई, કાસ્ટિંગ કેવી રીતના થઈ? કોણ સૌથી પહેલા તમારા મગજમાં આવ્યું કે કોને કાસ્ટ કરવો છે? કેવી રીતના બધા એક સાથે આવ્યા અને પછી શૂટિંગની શરૂઆત થઈ? ઓબ્વિયસલી જ્યારે કાસ્ટિંગની વાત હતી ત્યારે પહેલા જ સિદ્ધાર્થભાઈ એક વાર્તા સાંભળી. હા, પિક્ચર છે મને બધી ગીતના ઓળખ છે. રાઇટર્સની સાથે મેં બેઠા હતા જ્યારે પિક્ચરમાં આવશે ડિસ્કશન કર્યું. ઇન 5 મિનિટ્સ હી સેડ ધીસ ઇઝ ધમાલ, મતલબ આપણે કરીએ, ચાલ ચાલુ કર, બસ હવે વધારે વેઇટ નહીં કરીશ. And everything then went organically. મતલબ બધાના કોઈ પણ એમ સેકન્ડ ઓફ થોટ અંદાજ નહીં કે આની જગ્યા બીજા કોઈને લઈએ એવું નથી. વી આર લાઈક ઓન સેમ પેજ ફ્રોમ લાઈક ડે વન. એન્ડ આઈ થિંક વી હેવ અ ફેબ્યુલસ કાસ્ટ, લાઈક એવરી વન ઇઝ લુકિંગ સો ગુડ એન્ડ આઈ એમ સો હેપી. ઇટ્સ લાઈક એન ફેમિલી નાઉ. થેન્ક્સ ફોર ઇન્ક્લુડિંગ મી ઓલ્સો. અરે નહીં સર, પણ સિદ્ધાર્થભાઈ પાછું વરઘોડીઓ ચડવું તો ઘોડી ચડવી હતી એટલે શું કસર પૂરી રહી ગઈ હતી વખતેના લગ્નમાં કે આપણે પાછું? This is something વો આદમી કો કભી મના હી નહીં કરેગા ના ઇસકે લિયે. હા, જિતની ભી બાર હો એન્ડ હી લર્ન્સ એવરી ટાઈમ ન્યુઅર થિંગ્સ. ધેટ્સ ઓલ. સો રે, તમારે તમારા વખતે જ્યારે તમે આવ્યા આ પિક્ચરમાં તો કયા કયા તમને જે ફ્લર્ટેશિયસ અંદાજ તમે ગઈમાં તમને લાગ્યું યાર મારા વખતે પણ આવું થયું તો મજા આવી ગયો, મને આવી રીતના કોઈ કર્યું હોત ઇમ્પ્રેસ તો મને મજા આવી ગઈ હોત? પૂજા, તમારા માટે શું હાઈલાઇટ હતો કે તમે કીધું કે આ મારે કરવી જ છે પિક્ચર, આ હું છોડી જ નથી શકતી? વેન આઈ રેડ ધ સ્ક્રિપ્ટ ફર્સ્ટ, ધ સ્ક્રિપ્ટ વોઝ વેરી ગુડ, ઇટ વોઝ વેરી કેચી. એટલે સૌથી પહેલા તો સ્ક્રિપ્ટ એન્ડ સેકન્ડલી ધ કાસ્ટ. ઓફ કોર્સ ટુ વર્ક વિથ સિદ્ધાર્થ સર ઇઝ અ ડ્રીમ કમ ટ્રુ. મારા ઘરે બધા સિદ્ધાર્થ સરના બહુ મોટા ફેન્સ છે એન્ડ આઈ પર્સનલી હેવ બીન ફોલોઈંગ ધીસ થિયેટર પ્લેઝ એન્ડ એવરીથિંગ. સો આઈ રિયલી વોન્ટેડ ટુ વર્ક વિથ ધેમ એન્ડ આઈ ગોટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એન્ડ of course Panorama Studios was associated with it, so that was also a very big thing. Itle the whole team came together and that was the main decision for me to take up. Jo aapne fan ki baat ki, I think Siddharth sir aap wo aloo hai jo sab ghar mein pasand aata hai, isliye to dialogue dala hai na wo aloo wala. મુજે એસ લગતા નહીં કે કોઈ ચીજ મેં બઢ જાતે હૈ ગુજરાતી કોઈ ભી ઘર મેં સિદ્ધાર્થ સર કો કોઈ પસંદ ના કરતા હું મેરે કો એસા લગતા હી નહીં એસા હો હી નહીં મેરે ઘર સે મેરે ઘર કે અલાવા.
परीक्षित आपके लिए, व्हाट वाज द रीजन आप बोले हाँ चलो ये मूवी करनी है मेरे को? रोमांटिक एंगल था, गाने वाने हैं थोड़े रोमांटिक? जैसे कि सबने बोला बहुत आपको कॉपी पेस्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि वो रियलिटी भी है कि यार अगर आपके पास पहले इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आए, सिद्धार्थ सर पैनोरमा ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिले, और ये ऐसा रोल है जिसमें मुझे सब कुछ करने को मिला है, पापा के साथ की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है, जो लव इंटरेस्ट है उसके साथ जो केमिस्ट्री है वो भी इतनी मस्त है, एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड सिद्धार्थ सर एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। तो ऐसा तो कोई मना कर ही नहीं सकता, ऐसा हॉट डॉग था जिसको कोई मना कर ही नहीं सकता। सिद्धार्थ सर व्हेन यू आर अराउंड, आप जब रहते हैं सेट पे, कितना लोगों के लिए मुश्किल होता होगा सीरियस रहने का? कुछ आई एम श्योर एक दो सीरियस वाले सीन भी होंगे। सीरियस वाले सीन है ऑफ कोर्स, बट वी गो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सीन, एंड वेल आई ट्राई एंड मेक इट एज कंफर्टेबल व्हिच हेल्प्स यू नो, एंड इट शोज ऑन द स्क्रीन एज वेल, तो जिसके साथ जिस जैसी भी केमिस्ट्री करनी है, बट वी वर वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम डे वन, दैट्स फॉर श्योर। और सोनाली जी के साथ भी मेरे इंटीमेट तो नहीं, पर कुछ हाथ भी पकड़ा है मैंने, एंड शी डिडंट माइंड दैट। तो नहीं मजा आया, बट द होल थिंग इज अबाउट दैट, एनी मूवी फॉर दैट मैटर, द टीम वर्क मैटर्स। और आई वुड स्पेशली वांट टू मेंशन इज दैट कि प्रोड्यूसर का रोल वैसे दिखता नहीं है पर बहुत बड़ा होता है, यू नो, टू गिव अ फ्री हैंड एंड हैव फेथ इन द टीम हु इज एग्जीक्यूटिंग द मूवी फॉर हिम। कुमार जी तो वहाँ शूट पर भी नहीं आए थे, सिर्फ मुहूर्त के लिए जो पहला दिन था तब आए, उसके बाद में 30 दिन जब हमने शूट किया, बट सो हैविंग दैट फेथ एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर दैट, सो बोथ आई होप आप भी खुश हो। बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच। कम टाइम में फिल्म बन गई और रिलीज भी हो रही है, नॉर्मली फिल्म बन जाती है लोग एक साल वेट करते रहते हैं, लेकिन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने दिमाग में रखा था कि कैसे पिक्चर बनने वाली, वैसे कुछ बनी है आपके हिसाब से? बिल्कुल जैसी सोची थी 30th अगस्त को रिलीज हो रही है ये वर्ल्ड वाइड। बिफोर वी थ्रो टू प्रेस टू आस्क क्वेश्चन, थोड़े डायरेक्टर साहब को ऐसा अस्पंजस वाले सिचुएशन में डाल दूंगा, बोली बोली किसके साथ सबसे बेस्ट सीन्स हुए? क्या मतलब इसको किसी एक एक्टर को ऐसा होगा ना कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आप कैमरा छोड़ देते जो करना है करो। जूनियर्स सो ये माहौल नहीं, ये चार में से नाम लेना, ये माहौल होता है जी सेट पे होता है ना, यही माहौल होता है, इतनी ऑप्शन में वही दे रहा हूँ। ये मेरी बद्री की भी दुल्हनिया है, मेरी अम्टी की भी दुल्हनिया है, सब लोग यही है, ये फैमिली है, जेन्युइनली सबके साथ इतना मजा आया, और मतलब एक्चुअली इट्स लाइक अ फैमिली, अभी हर चीज उनको होता है कि नहीं आप बताओ क्या करना है। And equally important is कि actors को कैसे लगा director के साथ, वो भी उतना important है। And I must say, I admit it publicly that very 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 sorted and chilled out director, बहुत मजा आया हमें। There were बहुत सारे tensions चलते ही रहते हैं, कोई भी shoot हो कितना भी चाहे plan कर लो, कुछ ना कुछ पीछे होते ही रहता है, but which never showed on his face, और while he said to eat, it never showed the tension. So, yeah, so you can but everything went on very smoothly, and that's credit goes to the director as well. And the DOP also. Yeah. I must mention the DOP. Vicky, sir. Vicky is here? Yes, yes, Vicky. Great job by you as well. Thank you so much. Before again, last question. कौन, क्योंकि इसमें एक सीन है जहां पर बोल रहे हैं कि सेल्फी के लिए लोगों को भी भाड़े पे ले आना है, कौन सबसे ज्यादा फोन पे रहता था? बोल दू मतलब एक जन तो ऐसा होगा ना कि एक सेकंड एक फोन मैसेज करके कुछ जाता हूँ फिर एनी डे सबका एक ही आंसर होगा, आप किसी को भी पूछो पूजा। चलो एक कंट्रोवर्शियल अपने को मिल गया, नाउ ओवर टू प्रेस। फोन पे तू रहता है? थैंक यू घर पे रहता हूँ। एनीवे सबको कांग्रेचुलेशंस, और एज अ मुंबई का बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, गुजराती कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है, और आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वॉच सम रियली गुड फिल्म्स स्पेशली इन फेस्टिवल्स,
और शायद पिछले 7 साल में शायद 2-3 गुजराती फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिला है, आई थिंक हेलारो है, और ऑस्कर के लिए भी जैसे लास्ट ईयर 6 लोग शो गई थी, और देयर वाज आल्सो द गुड रोड जो शायद 2013 में इट वाज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। सिद्धार्थ जी, ऑब्वियसली यू आर अ वेटरन ऑफ गुजरात गुजराती फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री, खैर सबसे पहले तो मुझे आपसे जानना था कि हॉट डॉग के अंदर तीखा से डालने के बाद उसका स्वाद कैसे रहता है? बढ़िया होगा तभी डालते होंगे ना। आई अवॉइड, मैं तो नहीं खाया हूँ, बट जैसे बोला गया वैसे मिलता भी है ये, दिस इज अवेलेबल, या यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। ये सिर्फ हॉट डॉग नहीं है, कोक में भी सिंग डालते हैं। अरे दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ राजकोट, कोको कोला में सिंग डाल के पीते हैं लोग। ओके, मुझे भी कभी ट्राई करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ऑन अ सीरियस लेवल, यू नो, जो मैंने जैसे गुजराती फिल्मों का जिक्र किया, और शायद पिछले 1-2 साल पहले एक और एक अच्छी फिल्म मैंने देखी थी, 21 टिफिन मोर टिफिन। तो जब मैं इन फिल्मों को देखता हूँ तो ऑब्वियसली एक तो ऑब्वियसली मुझे एक एडुकेशन मिलती है उस प्रांत के बारे में, और कहीं ना कहीं लगता है कि आई थिंक शायद ये फिल्में इसलिए चलती है हार्डली विदाउट मच मार्केटिंग, बट ये अपने कल्चर से रूटेड होती है। और क्या अगर आप मुझे एक ओवरऑल, अगर आप एक आपके एक्सपीरियंस पे, क्या गुजराती सिनेमा हमेशा ऐसा ही रहा है, इस पे कुछ कह सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट देयर वाज एन एरा बिफोर 12 इयर्स और सो, जो आप बोलते हो कि गुजरात की धरती से जुड़ी हुई कहानियां या कल्चर से जुड़ी हुई, तब एक पूरा दौर था जब वैसी फिल्में काफी ज्यादा बनती थी। बट सिंस लास्ट 12 इयर्स देयर हैज बीन अ बिग शिफ्ट, वी आर टचिंग मोर अर्बन सब्जेक्ट्स, diverse subjects you will find in Gujarati. Or one more information which I can give is, since we are talking about Gujarati film, there was a film called Wash jo Gujarati mein bani, and Kumar ji has just returned 2-3 days back finishing Wash in Hindi. They have shot it in London mein shoot kiya 1 mahine ka aur thoda zyada usse, aur Ajay ji is playing the lead along with Madhavan. And the heroine from the Gujarati film is continued in Hindi as well. So, is tarah se, Janki Bodi wala. So, Kumar ji is now full throttle into Gujarati, Gujarati to Hindi. So, main bhi line mein khada hu sir, Hindi ka kuch hoga bol dena. Always. Aap ready ho jaiye, tag nikaliye. Aapke paas waqt nahi hai. Pooja, obviously your youth, and how do you look at the current Gujarati cinema? I feel the kind of content that is coming up these days, the kind of films that are being made, I definitely feel that the Gujarati industry is going to go up. There is so much of diversity now, people are experimenting, there are new people from Hindi industry also coming into Gujarati industry to work with us. So I feel that's a very big achievement in altogether, and I just hope that the kind of films that are being made, गुजराती इंडस्ट्री अपने ऊपर ही ये बात वहां तक भी पहुंचाएंगे प्रोड्यूसर तक। सो व्हाट वर यू एग्जैक्टली वांटिंग टू नो इन टर्म्स ऑफ स्केल? स्केल आई टेल यू व्हाट, स्टिल आई वुड से इट्स इन इन्फेंसी, मतलब शुरुआत है अभी भी। द वे इट शुड ग्रो इट विल टेक टाइम, बट वी आर ऑन पाथ टू दैट। अभी भी फिल्में जो बनती है उसका एक बजट कंस्ट्रेंट है, और पब्लिसिटी का भी एक कंस्ट्रेंट होता है। हालांकि गुजरात एज अ स्टेट इज अ एफ्लुएंट स्टेट, तादाद बहुत बड़ी है, मोर देन 6 करोड़ पीपल, और ओवरसीज में बहुत ह्यूज है। बट आई फील कुमार जी, वो मार्केट जितनी चाहिए उतनी हम लोग टैप नहीं कर पा सके हैं, तो उसके लिए आपको तो कुछ करना चाहिए। फर्स्ट इनिशिएटिव शुड बी फ्रॉम यू। अपना ये फिल्म से शुरुआत कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवरसीज में मैक्सिमम लोगों तक ये पिक्चर पहुंचे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट चेंजेस द एंटायर गेम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल, क्योंकि जिस तरह पंजाबी इज ऑल सेट नाउ, दैट हैज रीच्ड to a point, so that's why you have bigger budget films happening in Punjabi. So agar aisa Gujarati mein ho to bahut bada diaspora hai Gujarati ka, USA, Australia, UK, so these are big markets, East Africa,
तो अगर वो हम लोग टैप करें तो काफी बहुत फायदा होगा। ये पीडीएम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ हमारे डायस्पोरा में जितने गुजराती भाई बहन लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थिएटर में जाके पिक्चर देखिए प्लीज। सही है, अगर आप थिएटर में जाके पिक्चर देखोगे तो हमको थिएटर में लगाने में और मजा आएगा। सही है, आई हैव विटनेस्ड सो मेनी पीपल दैट दे आर सेइंग दैट हम मतलब वहां पे तो हमारे यहाँ पे ओटीटी वहां तक पहुंचती भी नहीं होगी गुजराती सिनेमा की, तो वो सब पायरेसी से देखते हैं। बट अगर वो अगर थिएटर में जाना शुरू करें, आप देखिएगा हम किस तरह से उनको वेलकम करते हैं थिएटर में और थिएटर में पिक्चर लगाते हैं। नो, दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट जो मैं हमेशा कहते आया हूँ, एंड इट्स टेकन मी मोर देन 6 इयर्स, आई रिपीट द सेम थिंग कि लोगों का जितना भी प्रतिसाद जिसे हम कहते हैं द रिस्पॉन्स शुड स्टिल ग्रो मच मोर। अगर हम लोग यहीं से प्रोड्यूसर कमाते हैं देन यू विल ट्राई एंड मेक अ बिगर फिल्म एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस एंड यू गेट बिगर एंड बिगर फिल्म्स हैपनिंग इन योर ओन लैंग्वेज। तो अगेन आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू डू नॉट वेट फॉर ओटीटी रिलीज एंड कम एंड वॉच इट इन थिएटर्स बिकॉज वी मेक इट फॉर थिएटर्स। आई एम प्रीतेश फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ सर से, सर ऑन योर साइड सर आपने सर आपने गुजराती मूवी में डेब्यू किया गुज्जू भाई दी ग्रेट से, और गुज्जू भाई आपका फेमस कैरेक्टर है जो आपने प्ले से बड़ी स्क्रीन पे लाया, एंड अभी आप बैक टू बैक गुज्जू भाई एंड देन भूषण टी शर्ट आप देते आ रहे हो, एंड गुजराती हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी अभी आपकी है, तो हम फैंस ये चाहते हैं कि गुज्जू भाई 3 कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, और जिस बंदे ने ये फिल्में बनाई गुज्जू भाई एंड भूषण टी शर्ट, ही हैपेंस टू बी माई सन ईशान रंदेरिया, and well the credit of my entering films also goes to him that he initiated the idea ki gujju bhai se hum log film banate hain, that's how I don't know how many years back 9 years back we did the film called Gujju Bhai the Great and it was received very well, and answer to your question should come from him। Gujju Bhai 3 ke bare mein puch rahe jo main bhi puchta hu video mein aap dekh। नहीं, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस और वी आर वेरी कीन क्योंकि यू नो पीपल रियली लव द अर्लियर टू फिल्म्स एज वेल, सो वी आर होपिंग कि नेक्स्ट ईयर वी डू गुज्जू भाई 3। एक पहले मेरे को एक गुज्जू भाई पे कंप्लीट करना है कि सिर्फ ईशान के लिखने से नहीं होगा, शेफाली मैम भी यहाँ बैठी हैं, उनके बजट अप्रूव करने के बाद ही ये सब काम हो सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट हम सब कर रहे हैं। बजट तो अप्रूव हो जाएगा बट द राइटर हैज टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट, एंड विनोद सरवैया ही हैज ऑलरेडी बीन कमीशन टू राइट गुज्जू भाई 3, एंड वी आर होपफुल दैट ही फिनिशेस इट फास्ट एंड वी वांट टू शूट इट बाय दिस ईयर एंड। दैट इज हिम इन पब्लिक, दिस इज द मैक्सिमम न्यूज यू कुड गेट फॉर गुज्जू भाई 3, एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम वी हैव स्पोकन सो मच अबाउट गुज्जू भाई 3, सो इट इज इन ऑफिंग, बहुत जल्दी आएगी। सिद्धार्थ सर, मेरा सवाल आपसे, यस सर, सो गुड टू सी यू सर, ट्रेलर वाकई में बहुत लाजवाब है, हर लाइन पे पंच है, हर लाइन पे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। समबडी लाइक अजय देवगन केम एंड नो ही लॉन्च योर ट्रेलर, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए, और आप क्या सोचते हैं जब अजय देवगन जैसी शख्सियत आके ट्रेलर को लॉन्च करती है? अच्छा लगता है, ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे, पीपल वॉन्ट टू सी इट मोर वेन बिकॉज इट बिकम्स पैन इंडिया देन, यू नो वंस यू हैव अ मेन स्ट्रीम एक्टर डूइंग और प्रमोटिंग योर फिल्म और लॉन्चिंग द प्रीमियर, वो पैन इंडिया प्रेजेंस उसकी हो जाती है, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर रीजनल सिनेमा, और सिर्फ हमारी फिल्में इसलिए नहीं, और भी फिल्में बन रही है, अच्छी फिल्में बन रही है, एंड इफ दिस हैपन्स टू अदर मूवीज ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज वेलकम, क्योंकि जितना अच्छा नाम बने गुजराती फिल्मों का और जगह में भी, तो वो इट्स वेलकम, ऑलवेज वेलकम। अजय सर ने ना ही सिर्फ यहाँ पे आके सपोर्ट किया है, बट व्हाइल वी आर स्पीकिंग ही इज आल्सो अपलोडिंग अ ट्रेलर ऑन हिज सोशल प्लेटफॉर्म। वंडरफुल, वेरी नाइस। यू नो यू स्टार्टेड योर करियर एज एन एडिटर, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू डू बीइंग अ एडिटर और बीइंग अ डायरेक्टर ऑन द सेट?
क्या मुश्किल रहा आपके लिए? थैंक्स टू मुरली सर एंड ऑल, लाइक जो सपोर्ट मुझे पहले दिन से उन्होंने दिया है एज ए प्रोड्यूसर, दे हैव गिवन मी अ फुल हैंड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बजट्स देखते हैं, ही इज इन्वॉल्वड इन ईच एंड एवरी क्रिएटिव प्रोसेस. ही लुक एट इट, इवन कुमार सर लुक एट द ट्रेलर एंड दे गिव द रिएक्शंस. तो एक्चुअली एज एन एडिटर बहुत टफ होता है, बिकॉज क्या होता है एज ए एडिटर आपके पास फुटेज आता है और आप उसको देखते हो, स्क्रिप्ट देखते हो, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होता आपने क्या शूट किया. आपका एक थर्ड आई होता है. So as a third eye, you give that film a different perspective. So that becomes very difficult. As a director, actually, it was easy because as an on the set, as sir knows that, I know कि मुझे ये shots लेने, मुझे edit में जाके ये problems होगी. So I let take me this shots also. So actually, it was actually easy for me to direct. Casting plays a very important part. You know how this whole journey started. And Siddharth sir, on what ground we zero down the star cast? आप तो महान है ही, हम सबको पता है, और आपने बहुत अच्छा किया, एक स्टोरी भी दे दी कि अजय सर ये गुजराती फिल्म का रिमेक कर रहे हैं. आई वाज वाचिंग कुमार मंगल सर, आई वाज हिज रिएक्टिंग कि ये बोलना है कि नहीं बोलना है. नहीं नहीं, उसका बात अपन बाद में करेंगे कभी. नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस. सिद्धार्थ सर, मैंने उस बारे में पूछा ही नहीं सर, मैं कुछ और पूछना. Being here and seen lot of things around, तो पहले से ही जहन में था कि ये रोल के लिए ये, जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब से एक डिसाइड किया हुआ था, और वो आसान भी हो जाता है. When you have a face in front of you, that okay, this is going to be played by this one, it becomes much easier for the writer as well as to conceive, even for the director it becomes easier. तो हमने पहले से ही सोच रखा था कि परीक्षित वुड बी देयर. आई मेट हिम मच बिफोर वी स्टार्टेड द मूवी. अहमदाबाद में मिलते रहते थे हम, एंड आई शुड टेल हिम दैट समथिंग इज इन ऑफिंग, और वो बहुत जल्दी करेंगे. पूजा ऑफ कोर्स आई हैव सीन हर वर्क, सोनाली जी का भी काम देखा था. इट ऑल हैपेंड विद इन वन डे, जस्ट वन फोन कॉल एंड एवरीथिंग वाज इन प्लेस. तो उस तरह से हो गया. सिद्धार्थ जी, मेरे सवाल आपसे, पहले तो मुबारकबाद आप सबको. थैंक यू. बहुत फनी है, वर्की है और इमोशनल भी है, कनेक्ट जो बाप बेटे का देखा वो बहुत अच्छा था. सो मेरा सवाल आपसे ये कि सिंस हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया की, आज अजय सर आया आपका ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, सो अगर इस फिल्म को जैसे हम गुजराती में रिलीज होती है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, विल यू ट्राई कि आप इसे हिंदी में डब करके यहाँ पर रिलीज करें? डब का मुझे पता नहीं है हाउ फार इट वर्क्स, डब की हुई फिल्म इसी, बिकॉज मेनली पीपल वॉन्ट टू सी डब. कौन सी जल्दी हम साउथ की डब देखते हैं इस वजह से, बिकॉज दे आर मेड विथ tremendous big budgets, you know, because there is lot bigger things to see in it which you don't find in regional. So regional jo choti kahani hai usko dub ka kitna, I would not know, that is their field. But ye film pehle agar banegi to mere khayal se Punjabi mein ban sakti hai. It's a very similar kind of sensibilities, and it can go well in Punjabi. Editor bhi yahan bol raha hai, mera ek aur shayad beech bhi na diya usne. Mera ek aur sawal hai sir aapse. सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि हम आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि देयर आर नो बॉर्डर्स, देयर आर इंटीग्रेशंस आर हैपनिंग. अजय सर ने खुद ने आरआरआर में एक अच्छा कैमियो, एक दमदार कैमियो किया उन्होंने. सो कैन वी एक्सपेक्ट कि आप अजय सर को, क्योंकि कुमार सर के साथ बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है, तो कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर, या आप उनकी फिल्म में या वो आपकी फिल्म में, ऐसे कुछ? बिकॉज इट्स हाई टाइम वी शुड. I mean, you don't have to ask me, I'm ready. The problem is whether he is ready or not. But वो भी करवा लेंगे. मुरली इज देयर ना, इज द फिक्सर, ही डज एवरीथिंग. कुछ भी रुकता है तो यू हैव टू जस्ट कॉल हिम एंड इट्स डन, सो ही विल डू दैट एज वेल. और जैसा अजय सर ने कहा, ही हैज अ बिग कनेक्ट विद गुजरात ऑल्सो, विद द बॉसेस देयर, द गवर्नमेंट एटसेट्रा. ही हैज अदर इंटरेस्ट देयर एंड सो मेनी स्क्रीन्स देयर, एनवाई सिनेमास. We had our one trail premiere also there, my previous film Bachu Bhai. And another announcement, shall we go ahead and do for the forthcoming? Sir ji, aap karoge? Achha, okay, toh thoda footage kha leta hu. Bol apne baat kijiye. Well, on this day again I would want to announce to the press as well as the people around here, and when it goes out to all of the janta, humne aaj hi decide kar liya hai, and we are starting a new film under Panorama banner, which will be called Googly.
once again, the writer is Vinod Sarvaiya. And it is going to be directed by Dhaval Shukal. He is also here. And of course, DOP is going to be Vicky. So, sir, this is another film which is going to just start rolling by 15th of September. And we want to finish it by 15th of October. And maybe release in the coming next year, in the beginning of the year. Again, a wonderful story. So, Kumar ji ke paas mai, I am Shabri for him. Chak chak ke main le jata hu. Ye kariye sir, ye kariye. Sir, always. Ab to itna bhrosa ho gaya hai. Aap bina suna aap kuch bologe karni hai meri taraf se okay aa jayega. Kya baat hai? Ye googly pe googly sir ne fek diya. Thank you so much. And jaate jaate just want to invite sabse pehle Kedar and Bhargav jo is movie ke music directors hain. Kedar and Bhargav. That's Kedar. Please talk about the music, sir. कौन सा गाना ये जो ट्रेलर में चल रहा है मेरे को तो बहुत कैची लग रहा है। Yes sir, ये गाना हम लोगों ने लॉन्च किया था, I think 10 days back, और it has been very well received. There are 4 songs in the film, और अलग-अलग जॉनर के बहुत ही मजे, obviously मैं तारीफ करूँगा वो अच्छा नहीं लगेगा, but we are very much confident कि बहुत ही अच्छे गाने बने हैं. BGM is also right now we are working on it, about to finish, और वो भी बहुत ही अच्छा रोल आउट हुआ है. और शायद the team has planned very properly किस तरह से पूरा गाने को कैसे कैसे हम promote करें, release करें. So very soon एक एक गाने आता जाएगा और we are very much confident about it. Lovely. And I would like to invite, because music की बात कर रहे हैं, तो Rajesh Menon, CEO for Panorama Music. And also Darshan Shah, Head of Distribution, Panorama Studios. This is the team who is releasing on 30th August everywhere. Thank you guys. In last photo. And please, bhar bhar ke jaake promote kijiyega movie ko. Especially Vinod bhai. Vinod bhai, please aaiye. Vicky, please come on stage. Sunil sir, Vijay sir, and agar main kisi ko bol raha hu, please Parth, please come on stage. Priya, she is heading the marketing for the film. और एक चीज ऐड करूंगा, थैंक यू सो मच, हमारी गुजरात इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं. ईच एंड एवरी फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम माय गुजरात इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आज वर्किंग डे है, फिर भी आप मुझे बताया घर से स्पेशली ये यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच. Two backbones of ours is Darshan Budrani, who is handling the PR, जिन्होंने सब आपको सबको बुलाया है, and Ankit from Blow On. They are also here, so they welcome on the stage, and I thank them. And you're doing an excellent job. एक आज सवाल से तुम्हारी फिल्म नू हैशटैग से All You Need Is Love. That's also a shade of love. That's also a shade of love. But anyway, actually the criteria is that it's a holiday that day, so it's a right time to release a film. And so family entertaining film hai, family entertainer hai. So I think this is the best time to do that. थैंक यू. एक लास्ट पिक्चर ले ले.